हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको स्टूडेंट बताने वाला हूँ कि आप जोमैटो में ऑनलाइन कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं जोमैटो राइडर बनने के लिए और कैसे आप जोमैटो राइडर बन सकते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ और कैसे आप जोमैटो में राइडर बनकर आप 20 से 25 हज़ार रुपये ऑर्डर डिलीवर करके आप कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपके पास एक एंड्रॉइड मोबाइल होना चाहिए। एप्पल में आपके जो जोमैटो डिलीवरी एप्लीकेशन है वो वर्क नहीं करेगी, ओनली सिर्फ एंड्रॉइड में वर्क करेगी। और आपका एंड्रॉइड जो वर्जन है वो 6 से ऊपर होना चाहिए, यानी कि आपका लेटेस्ट मोबाइल होना चाहिए, हाईफाई मोबाइल होना चाहिए, ताकि ऑर्डर आने में कोई दिक्कत ना हो, आपका मोबाइल हैंग ना करे। उसके बाद देखिए, सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपको अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र आपको ओपन कर लेना है। इस तरह से आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, सभी मोबाइल में होता है। ओपन करने के बाद आपको गूगल सर्च बार में लिखना है रनर आर यू जोमैटो, जोमैटो लिखना आपको पहले, जोमैटो जोमैटो डॉट रनर डॉट इन आपको ये सर्च कर ले। जैसे आप सर्च करोगे तो आप जोमैटो की वेबसाइट पर आ जाओगे, जहां पर आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। अब देखिए दोस्तों, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक ज्वाइन अस का, जैसे आप देख रहे हैं। तो सिंपली फिर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप एकदम से आपके सामने विंडो पॉपअप हो जाएगी। उसके बाद सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, आपका नेम, जो भी आपका रियल नेम है, मोबाइल नंबर आपको वो देना है जो आप अपने पास रखते हो, जिसके अंदर इंटरनेट चलता हो, कॉलिंग वगैरह सब कुछ, रिचार्ज वगैरह हो, क्योंकि वही आपकी जोमैटो आई डी होती है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद जिस सिटी में करना चाहते हो आपको सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम फटाफट ऐसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद सिंपली फिर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है बॉक्स पर। उसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड ऐप आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे, उसके बाद ये आपको बोल रहा है कि आपने अभी यहाँ पर अपना वर्क टाइम सेलेक्ट नहीं किया, कि आप पार्ट टाइम करना चाहते हो या फिर आप फुल टाइम करना चाहते हो। जो भी आप करना चाहते हो उसी हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हो तो आपको 6 आवर काम करना पड़ेगा, अगर आप फुल टाइम करना चाहते हो तो आपको 10 आवर आपको काम करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर फुल टाइम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, आपको डाउनलोड दिया, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको बोलेगा कि ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, ये हार्मफुल है, ये इस तरह का आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो आपको सिंपली इसे ओके कर देना है और ये एप्लीकेशन जो है आपकी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन जो है डाउनलोड हो चुकी है। आपको सिर्फ इसे ओपन कर लेना है और आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन में इसे क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। बिल्कुल आपको इंस्टॉल करके उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, फिर आपको इस तरह का जोमैटो डिलीवरी एप्लीकेशन आपको आपके मोबाइल फ़ोन में आ जाएगा। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं जोमैटो डिलीवरी एप्लीकेशन, आपको सिंपली फिर यहां पर क्लिक कर देना है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे फ़ोन में पहले से ही है, इसलिए वहां पर आ रहा था कैन नॉट ओपन, ऐसे इस तरह से कुछ मैसेज यहां पर आ रहा था। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है अर्न अप टू 25,000 एवरी मंथ। उसके बाद नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि गेट वीकली पेमेंट डायरेक्टली इन योर बैंक अकाउंट, यानी कि इसमें वीकली पेमेंट आपकी आएगी, जितना आप काम करोगे उतनी ही पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। चाहे आप वीक में 10,000 काम कर रहे हो या आप 20,000 काम कर रहे हो, तो सब कुछ वहाँ पर आएगा। उसके बाद देखिए, जिस भी नंबर से आपने अभी अप्लाई किया था वो नंबर यहाँ पर आपको फिलअप कर रहे हैं। तो चलिए हम वो नंबर भी यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। वो नंबर एंटर करने के बाद देखिए, आपको सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए, उसके बाद आपको सिंपली फिर आपके पास एक OTP आएगा, सिंपली वो OTP आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। OTP एंटर करने के बाद सिंपली फिर आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फिलअप करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर किस से डिलीवरी करना चाहते हैं, बाइक से, साइकिल से या फिर ई साइकिल से, 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर बाइक सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद देखिए, आप किस सिटी में करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर सिंपली फिर सिटी सेलेक्ट कर देनी है। जो भी आप करना चाहते हैं वो सिटी यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई सिटी आपके पास है, आप वहाँ पर जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ पर वो आप सर्च भी कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं झज्जर। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पर आगे प्रोसेस पर क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद देखिए, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। उसके बाद आपने सिटी सेलेक्ट किया, अब आपके पास पूछेगा लोकेलिटी। उसके बाद आपको यहाँ पर लोकेलिटी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। लोकेलिटी इस तरह से आएगा, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन बने होते हैं। अगर आपके वहाँ पर एक ही लोकेशन में जोमैटो है तो आप उसे फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपली फिर आपके पास इस तरह का इंटरफेस होगा, सेलेक्ट योर वर्किंग टाइम।
उसके बाद देखिए अगर आप फुल टाइम पार्ट टाइम जैसे आपने अप्लाई किया था तो उसी तरह से यहाँ पर शो होगा। तो आपको सिंपली इस कॉलम पे आपको क्लिक कर देना है, ये आपका ग्रीन कलर का हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद प्रोसेस फुल टाइम शिफ्ट, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है, यानी आपकी जो फुल टाइम होती है वो 10 आवर की होती है। उसके बाद आपका फर्स्ट जो कॉलम है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपने अपना व्हीकल डाला था कि आप बाइक से करना चाहते हैं, बाइक से करना चाहते हैं या फिर ई साइकिल से किससे करना चाहते हैं। उसके बाद ये टाइम आपका वर्क क्या था, कितने घंटे या फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम करना चाहते हैं, वो आपने फिलअप कर दिया है। उसके बाद ये ऑप्शन आपके रह जाते हैं, सबमिट इन्फॉर्मेशन, क्लिक प्रोफाइल फ़ोटो, एड टी शर्ट साइज़, उसके बाद पे और बोर्डिंग फीस। इसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल, आप जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे सबसे पहले आपको अपना नाम डालना पड़ेगा, उसके बाद आपके फादर का नाम क्या है, जो भी आपका नाम है आपका रियल जो आपके आधार कार्ड में है डॉक्यूमेंट में वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करना है, जेंडर में आप मेल हो या फिर फीमेल हो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस दोनों लाइन में आपको फिलअप करना है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, यानी कि जैसे कि आपका कोई विलेज है या फिर कुछ भी आपका सिटी है, तो यहाँ पर अगर वो पूरा नहीं होता तो नेक्स्ट लाइन में एड्रेस टू में भी वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद सिटी कौन सी आपकी, स्टेट कौन सी है, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सभी स्टेट हैं इंडिया की जितने भी यहाँ पर इंडिया में है। उसके बाद आपका पिन कोड क्या है, मेन आपका पिन कोड होता है वो आपको एंटर करना है। उसके बाद करंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस करंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर कॉलम पर क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक से फिलअप हो जाएगा। ये करने के बाद आपको सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है, ये आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद देखिए सिंपली फिर क्या करना है, उसके बाद देखिए आपको पैन कार्ड की डिटेल एंटर करनी है। पैन कार्ड आपका ज़रूरी है, ये नहीं कि आपका पैन कार्ड नहीं है, आप अपने पापा का इसमें दे दो, अपने मदर का दे दो, तो आपका नहीं चलेगा, वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम आपका वो रिजेक्ट हो सकता है। तो सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ कि वो रिजेक्ट आपका हो जाएगा, तो ऐसी गलती आप मत करना। कभी आप ऑनबोर्डिंग फीस पेमेंट कर दो और आपका फिर आपकी जोमेटो आईडी बन नहीं पाए, आप जोमेटो बॉय बन नहीं पाओ। तो सिंपली आपको अपना पैन कार्ड आपको अप्लाई करना है, यहाँ पर पैन कार्ड पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले ये सब इन्फॉर्मेशन करने के बाद ये ऑटोमेटिक से आपका ओपन हो जाएगा। पैन कार्ड एंटर करने के बाद अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस, यानी अगर आपने बाइक से यहाँ पर अप्लाई किया है, तो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपका मांगेगा, आपका ओरिजिनल डीएल आपका होना चाहिए, बकायदा आपकी फ़ोटो भी यहाँ पर मांग सकता है, आपको फ़ोटो भी यहाँ पर आपको क्लिक करनी दे यहाँ पर आपको अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल आपका ही होना चाहिए। और दोस्तों ध्यान रहे कि जब भी आप ये सब इन्फॉर्मेशन एंटर करो तो बिल्कुल केयरफुली करो, अगर यहाँ पर आपको फ़ोटो मांगता है तो आपको बिल्कुल केयरफुली बिल्कुल क्लियर आपको फ़ोटो देनी होगी, कोई ब्लर टाइप की फ़ोटो ना दे, क्योंकि दोस्तों आपका वेरिफिकेशन में वो दिक्कत या फिर प्रॉब्लम आ सकती है, आपका डॉक्यूमेंट कैंसिल हो सकता है। ये एंटर करने के बाद सिंपली फिर क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि फिर आपको दोबारा से बैक आ जाना है। उसके बाद देखिए आपको सेकंड यहाँ पर क्लिक प्रोफाइल फ़ोटो, आपको सिंपली फिर यहाँ पर क्लिक कर देना है, यानी जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक का निशान आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक से ये वाला ऑप्शन भी आपका ओपन हो जाएगा। फिर देखिए आपको क्या करना है, आपको एक अच्छा सा फ़ोटो आपको सेल्फी में आपको यहाँ पर प्रोफाइल फ़ोटो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ध्यान रहे जो आपका बैकग्राउंड होगा वो या तो एक जैसे कि दीवार है आप तो वाइट कलर की रहे, या फिर आप किसी भी कलर की रहे, यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि पीछे कोई खड़ा हो और आप यहाँ पर सेल्फी यहाँ पर क्लिक करें, वो आपकी फ़ोटो रिजेक्ट हो सकती है, वेरिफिकेशन में आपकी प्रॉब्लम आ सकती है, मैं आपको ये बार बार बात बोल रहा हूँ। अब देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर आता है एड टी शर्ट साइज़, यानी कि आपकी साइज़ क्या है टी शर्ट की, वो आप इंची टेप के साथ आप नाप सकते हो। आपके पास कोई भी टी शर्ट पड़ी है एम साइज़ है या फिर एल साइज़ है, वो आपको इसके अंदर ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी टी शर्ट अब जो है बाय कोरियर आती है, अगर आपकी एक बार टी शर्ट आ गई छोटी बड़ी, यानी बड़ी आ गई तो आप उसे एडजस्ट करवा सकते हो, अगर छोटी आ गई तो आपको फिर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो दोबारा से रिटर्न नहीं होगी। इसलिए आप अपना साइज़ देख कर बिल्कुल ध्यान से तब यहाँ पर आप गाइडलाइन के अनुसार आप फिलअप करिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर जाता है पे ऑनबोर्डिंग फीस, यानी कि आपको सबसे पहले इसमें ऑनबोर्डिंग फीस आपको पे करनी पड़ेगी जोमेटो में लगने के लिए, वो आपकी सिक्योरिटी फीस होती है, आपको बाद में रिफंडेबल आपको मिल जाएगी, वो रिफंडेबल होती है, तो आपको ऑनबोर्डिंग फीस आपको देनी पड़ेगी, वो आपकी लोकेशन के हिसाब से होता है। जैसे आप यहाँ पर ये सभी इन्फॉर्मेशन आप एंटर कर दोगे, जैसे ये आपका क्लिक हो जाता है,
उसके बाद जैसे आप ऑनबोर्डिंग फीस पे आप क्लिक करोगे तो आपको कम से कम कितनी पेमेंट देकर आप जोमैटो के राइडर बन सकते हैं या फिर आप फुल पेमेंट यहाँ पर दे सकते हो। ज़्यादा नहीं होती इनकी ऑनबोर्डिंग जो फीस होती है वो सिक्योरिटी फीस होती है, वो 1200 या फिर 1500 इतना ही समथिंग होता है, कम भी होता है आप उसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। जैसे स्टार्टिंग में आपने 400 रुपये आपने पे कर दिए, आप UPI से कर सकते हो, जैसे यहाँ पर लिखा है क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड, ATM, जो भी आप UPI चलाते हो सभी से आप कर सकते हो। जैसे आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करोगे तो आपकी ID चल जाएगी, आप Zomato के डिलीवरी बॉय बन जाओगे। इसके अलावा दोस्तों आपकी छोटी सी ट्रेनिंग होगी वो आपकी ऑनलाइन ही होगी, यानी कि जैसे आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपके पास वीडियो आएंगे ट्रेनिंग की, वो आपको यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे आपको वर्क करना है और कैसे आपको Zomato का टी शर्ट पहन कर बैग Zomato कैरी करना है और साथ में कस्टमर को कैसे आपको ऑर्डर डिलीवर करना है, कैसे कैसे आपको क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। अगर आपको फिर भी नहीं पता कि कैसे कैसे वर्क करना है, देखिए दोस्तों आई बटन में या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि आप फर्स्ट डे कैसे आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे Zomato से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियो हैं आपके लिए, आप वो जाकर देख सकते हो, उसे आप चेकआउट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और कैसे आप Zomato के डिलीवरी बन सकते हो, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बिल्कुल बारीक से समझाया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद, लाइक करना, अगर आप इस चैनल पहले बार वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल प्रेस करें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।